हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नए वर्ष में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये वर्ष जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, खास हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी यही है कि उनकी जॉब जल्द से जल्द लगे। तो जैसे ही वैकेंसी आ रही हैं, हर राज्य से आ रही हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो आपके राज्य से जैसे ही वैकेंसी आती है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो है परमानेंट वैकेंसी जारी हो रही हैं, रेगुलर वैकेंसी आ रही हैं। तो अनुभव नहीं चाहिए, जो वैकेंसी निकाली गई है आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट से, सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे पहले जो है PGT में सब्जेक्ट आप देखें, फिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। बीएड या एमएड आपके पास होना चाहिए, और साथ में जो है ओएसटी, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, स्कोर कार्ड जो है आपका होना चाहिए। नेक्स्ट TGT के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसमें जो है ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, बीएड या एमएड होना चाहिए, साथ में सीटेट या टेट, किसी भी राज्य का टेट भी क्वालिफाई है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, और साथ में जो है ओएसटी स्कोर कार्ड जो है आपका होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम, जो CSB एग्ज़ाम हुआ है, AWS जो कंडक्ट करवाता है, और जिससे आप लोगों को एक स्कोर कार्ड जो है मिलता है, तो जो इस साल जो है वो बिल्कुल चूक गए हैं और नहीं एग्ज़ाम दे पाए हैं, तो वेट करिएगा, क्योंकि हर साल जो है एग्ज़ाम AWS कंडक्ट करवाता है। तो इस साल आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें, ताकि आर्मी पब्लिक स्कूल में काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में जो है परमानेंट या रेगुलर बेस पर जो है आप लोग यहाँ पर आ सकें। बाकी बहुत सारे राज्यों में आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आ रही है, तो बिना OST स्कोर कार्ड के भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पिछले वीडियोस आप देखिएगा, जैसे ही और भी राज्यों की वैकेंसी आएगी बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। रेगुलर रहिए चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप लोगों को समय पर मिल सके। तो यहाँ पर PRT यानी प्राइमरी लेवल पर जो वैकेंसी आई है, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें म्यूजिक, योगा भी इंक्लूड है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, और 2 साल का BLED या DLED या फिर BED भी अगर आपने किया है और PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा BED कैंडिडेट को। CTET या TET आपका होना चाहिए, यहाँ पर CTET के साथ में स्टेट टेट, यानी किसी भी राज्य का आपने स्टेट टेट क्लियर किया है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। OST स्कोर कार्ड जो है PRT, TGT, PGT सभी को चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर बेस पर है, तो बिल्कुल रेगुलर यानी परमानेंट ही जो है करेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हेडमिस्ट्रेस के लिए, और इसमें जो है वो बिल्कुल अनुभव चाहिए, बाकी PRT, TGT, PGT में कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएशन के साथ में जो है आप लोगों के पास BED, MED या BLED या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, एटलीस्ट 5 साल का तो होना ही चाहिए। यहाँ पर जो है उम्र डिसाइड की गई है मैक्सिमम 55 ईयर, ठीक है। बाकी जो पहले से ही जो है इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या एक्स सर्विस मैन है, तो उनके लिए 57 ईयर रखी गई है। हेडमिस्ट्रेस के लिए भी जो है CTET टू क्वालिफाई एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड जो है वो बिल्कुल चाहिए। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में और डिप्लोमा काउंसलिंग का चाहिए, और यहाँ पर भी जो है 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में जो है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना होगा। अगर आपका बीएड जनरल से आपने किया है, सामान्य बीएड किया है, तो डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अभी जो है मैंने आपको बता दिया, PGT, TGT, PRT के लिए कोई भी जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। कैंडिडेट वो हैव क्लियर्ड CSB एग्जाम में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेंगे, ये इसकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी, अनुभव अगर है जिसके लिए मांगा गया है, साथ में OST स्कोर कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल नहीं लगाना, कॉपी लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, APS अहमदाबाद कैंट, ठीक है, अहमदाबाद कैंट से ये वैकेंसी है, तो इसी के लिए जो आप लोगों को 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, बैंक में जाकर आप जो है बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरव्यू के माध्यम से जो है आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा, और लास्ट डेट जो है यहाँ पर 15 जनवरी 2024 है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो समय से पहले ही कर दें। केवल यहाँ पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करें, सामान्य पोस्ट बिल्कुल ना करें, ना ही ईमेल करें, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट की मेन वेबसाइट पर आएंगे आप, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा इंटरव्यू एट आर्मी पब्लिक स्कूल 20 दिसंबर 2022, ठीक है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा और आप लोग जो है नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को AWESIndia.com यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा और स्कूल की मेन वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।